हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्री 17 मार्च को जो होने वाला था वो क्या पोस्टपोन हो जाएगा। भैया क्या सच में पोस्टपोन हो जाएगा? देखिए, अगर मैंने आपको वीडियो बना करके बताया हुआ है तो इसका मतलब वो 100% है, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता या मैं उसमें बोल देता कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, 50-50 है, मैं बोल देता, बट मैंने नहीं बोला। इसका मतलब कि वो 100% श्योर है, तो इसलिए आप उसको लेकर के परेशान ना होइए। दूसरी चीज़ एक ये आ रही है कि भैया पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है, वी बिलीव इन यू, लेकिन नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कब तक नोटिस आ जाएगी, कब तक पता चल जाएगा कि फाइनली अच्छा ठीक है अब नहीं हो रहा है? देखिए, वो अथॉरिटी के ऊपर होता है, वो आयोग के ऊपर है। एक दो दिन, तीन दिन का जो समय लग रहा है वो लग रहा है आपके सामने, कभी भी सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो उसकी नोटिस है कैंसिलेशन की वो आ जाएगी। आपको मालूम है 17 तारीख को पेपर है, तो 10-12 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलता है यूजली 10 दिन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डेट देखोगे तो एडमिट कार्ड आने का समय हो रहा है। तो जब पेपर कैंसिल हो रहा है तो आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग अभी भी इधर उधर से, जैसे उनको कोई बता देता है कि अरे पेपर 17 मार्च को होगा, तो उनको लगता है कि अरे वो तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं या उनकी जो पढ़ाई है वो आउट ऑफ ट्रैक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पेपर हो जाए। जब कमीशन में तैयारियां ही नहीं है, जब प्रिपरेशन ही नहीं है एग्जाम को कराने की, तो एग्जाम 17 मार्च को कैसे हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब उनको नहीं पता है या उनका कोई और हिडन एक एजेंडा है, मीटिंग है, तो फिर वो बात एक अलग है, लेकिन पेपर तो नहीं होगा 17 को। अब ये जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ये इसलिए नहीं बताई जाती है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। ये सब जो चीज़ें आपको पहले से अगर बता दी जाती है तो इसीलिए उसका फायदा यही लेना होता है कि आप अपने टाइम को स्ट्रेटजाइज कर लो, आप टाइम वेस्ट ना करो। अगर आप अभी भी ये सब चीज़ें जानने के बाद भी अपना समय को व्यर्थ में गवाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो 3-4 दिन 5 दिन है ना, ये आपको हैवली कॉस्ट करेंगे। इसलिए आप अगर आर ओ ए आर ओ देने वाले हो तो आर ओ ए आर ओ, अगर आप यूपीपीसीएस देने वाले हो तो यूपीपीसीएस, और अगर आप दोनों देने वाले हो तो दोनों, उनको स्ट्रेटजाइज कर लो। मैंने आपको एक वीडियो बना करके अर्जुन बैच के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, जो भी डिटेल्स हैं वो बता दी थी मैंने आपको। अब आज आपको शाम तक एक वीडियो देखने को मिलेगा, उसमें मैंने पेपर एनालिसिस किया हुआ है कि क्या इस तरीके कुछ डिफरेंट चीज़ें थी इस बार, क्या कुछ चीज़ें नई थी, क्या पुरानी थी, क्या सेम अभी पैटर्न चल रहा है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन पर नहीं देना है, वो पेपर एनालिसिस की मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो वो शाम को देखिएगा और आज से लग जाइए, आज से उठ जाओ अर्जुन, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा खुद के लिए। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दी है ना, इसको वैल्यू करिए। एक भी दिन जितने लोग अर्जुन बनने वाले हैं वो वेस्ट नहीं करेंगे अपना। आज से प्रतिज्ञा ले लीजिए कि मैं अर्जुन बन के रहूँगा, मैं अर्जुन बन के ही रहूँगी। अर्जुन का मतलब अपने फील्ड का बेस्ट, अपने एग्जाम का बेस्ट, अर्जुन से मतलब ये है, कुछ भी बन सकते हो। तो ये आपको समझना है, जितने भी लोग हो 100% श्योर रहो, दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम लग जाओ। आज से आपको शाम से चीज़ें पता लग जाएंगी।